कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की रेसिपी पसंद आती है तो हम घर पे जरूर आकर ट्राई करते हैं, चाहे पड़ोसी की हो चाहे रिश्तेदार की हो, तो जरूर ट्राई करते हैं। पर आज मैं लेके आई हूँ इंडिया से बाहर की रेसिपी की, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी। लास्ट में बताऊँगी किस डिश में बनने वाली है रेसिपी, तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले मैंने दही को भिगो लिया है और थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया है। पानी को भी दही में अच्छे से हम मिला लेंगे। वैसे ये रेसिपी कुछ हद तक हमारे इंडिया में भी बनती, जो कि राजस्थान के तड़के वाले दही की तरह है। स्वाद थोड़ा सा अलग आ गया क्योंकि ये है इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की है। तो मैंने सबसे पहले दही को अच्छे से मिला लिया है। यहाँ करीब एक चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए आधा चम्मच। यहाँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ डाल रहे हैं फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया और करीब मैंने एक बारीक हरी मिर्ची को काट लिया वो इसमें डाल रहे हैं। अब मैंने करीब एक प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है वो हम इसमें डाल रहे हैं। और अब सबसे आखिर में डालेंगे हम एक उबला हुआ आलू, जो कि मीडियम साइज का था, उसको मैंने पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब लगेगा इसमें तड़का। तड़का हम सरसों के तेल का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया, उसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाला है, राई का तड़का लगाया है, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह आप साबुत मेथी भी डाल सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में डलती साबुत मेथी है, पर मेरे घर में साबुत मेथी इस तरह के तड़के में पसंद नहीं की जाती, तो मैंने यहाँ कसूरी मेथी डाल दी। और उस तड़के को हम दही पे डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। ये है चुकोनी की रेसिपी, जो कि नेपाल में बनती है और इसे आप चावल और परांठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर कभी सब्जी बनाने का मन न हो तो आप ये रायता जरूर बनाइए, और या फिर चावल बच गए हो या चावल के साथ कुछ और नहीं बनाना, दाल नहीं बनाना, राजमा नहीं बनाना, छोले नहीं बनाना, तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजी और फटाफट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। जैसे कि दही की तासीर थोड़ी ठंडी रहती है तो सर्दी में नहीं खा सकते, पर अगर आप इसमें तड़का लगा दोगे तो इसकी तासीर जो होती है गर्म हो जाती है, तो आप इसे रात में ही बना के खा सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी और फटाफट से बनके तैयार होने वाली है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। मुझे तो सचमुच बहुत अच्छी लगी, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी।